अपने करियर की शुरुआत से ही हिट फिल्में देने वाले सलमान ने अपने करियर की शुरुआत एक स्पोर्ट्स एक्टर के तौर पर की थी, लेकिन उसके बाद जो फिल्म उनकी झोली में आई उससे वो रातों रात स्टार बन गई। ये फिल्म थी मैंने प्यार किया। हालांकि खबरों की माने तो सलमान इस फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। वैसे सलमान को जहां लोगों ने गुस्से वाला समझा, वहीं दूसरी ओर वो फैमिली मैन भी थे। वो अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब एक शख्स उन्हें अपने परिवार से अलग करना चाहता था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, तब ऐश चाहती थी कि सलमान उनकी खातिर अपने घर वालों को छोड़ दें। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच अफेयर था, तब ऐश चाहती थी कि सलमान अपनी फैमिली को छोड़ दें। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहती थी कि सलमान परिवार वालों को सपोर्ट भी ना करें। ऐश और सलमान का अफेयर किसी से छुपा नहीं है, कभी दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के एग्रेसिव नेचर की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट में पब्लिक रिपोर्ट के अनुसार ऐश सलमान को उनकी फैमिली से अलग करना चाहती थी और यही उनके ब्रेकअप की वजह भी बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने एक करीबी सूत्र से कहा था कि सलमान रिश्तों को लेकर काफी पोसेसिव थे। कहा जाता है कि ऐश को ये कभी पसंद नहीं आया कि सलमान अपने परिवार को सपोर्ट करें। ऐश को ये भी पसंद नहीं था कि सलमान अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं। उन्होंने सलमान से अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे। हालांकि सलमान ऐश से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे और यही वजह बनी इन दोनों के रिश्ते को टूटने की। 1999 की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। दोनों करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में थे और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। तब से ही दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहते। दोस्तों, आपको इनकी परफेक्ट जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें लगातार जानना चाहते हैं तो कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।